अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हो रहा है, इसका मतलब है कि 492 वर्ष का पुराना झगड़ा समाप्त हुआ है। 1528 में बाबर ने आदेश दिया मीर बाकी को कि राम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़ दिया जाए। आज वो मंदिर पुनः स्थापित हो रहा है और एक हिंदू मुसलमानों के बीच में जो झगड़ा था, जो तनाव था, जो नफरत थी, वो समाप्त हो गई है। आज मुस्लिम बहनों ने भी पूरी दुनिया को संदेश दिया कि राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन और मंदिर निर्माण अदालत में किसी की हार और जीत से नहीं, किसी नफरत से नहीं और किसी झगड़े से नहीं हो रही है, बल्कि भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण मर्यादा में रहते हुए उन्हीं की तरह उनके आशीष से एक मर्यादित तरीके से हो रही है, अदालत के फैसले के साथ हो रही है और सबके दिलों को जोड़ने का काम मुस्लिम बहनों ने काशी से किया है, ताकि हिंदू और मुसलमान नफरत भुला करके भगवान श्री राम को, जो सबके पूर्वज हैं, जो आदि अनंत अखिल ब्रह्मांड के देवता हैं, भगवान हैं, तो सबका आशीर्वाद, सबके लिए उनका आशीर्वाद बना रहे, इसलिए सभी लोगों ने मिल करके आज यहाँ पर आरती किया, भजन किया और यह संदेश देने का प्रयास किया कि हम हर परिस्थिति में एक हैं और राम के नाम पर तो झगड़ा हो ही नहीं सकता, राम के नाम पर विवाद नहीं हो सकता, क्योंकि राम न सिर्फ मर्यादा का पालन करने वाले हैं बल्कि अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले हैं और सबरी से लेकर के वो जटायु तक सबको गले लगाने वाले हैं, तो राक्षस से लेकर जानवर तक सबको गले लगाने वाले प्रभु श्री राम का जब मंदिर बन रहा है तो राष्ट्र का मंदिर है और राष्ट्र के मंदिर में सभी को शीश चढ़ाना, सभी को अपना शीश झुकाना है और पूरी दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको तो एक बार अयोध्या आकर के जरूर दर्शन करना चाहिए। अगर उनको अपने देश में आदर्श राज्य यानी राम राज्य स्थापित करना है तो आज से राम राज्य स्थापित होने की दिशा में प्रभु श्री राम के मंदिर बनने के साथ ही ये तय हो गया और पूरे विश्व में आज के दिन को भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। अयोध्या के जैसा जश्न मना रहे हैं और आज हम अपनी काशी नगरी में दीपावली मनाएंगे।